हेलो नमस्कार। दसवीं क्लास के बायोलॉजी विषय के चैप्टर नंबर 1 से रहेगा क्वेश्चन 5 नंबर। या इससे पहले हम पाचन तंत्र बता दिए हैं आपको, हम बता दें 2025 में आने वाले जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 5 नंबरिया क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बताया था कि इतना ही पढ़ना होगा, उतना ही में से दो आएगा। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है। इससे पहले पाचन तंत्र बता दिए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बता दें अमीबा में पोषण की वृद्धि का वर्णन करें, ये आएगा 5 नंबर में। ऑब्जेक्टिव भी आता है, 2 नंबरिया में आता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि अमीबा किसके माध्यम से भोजन बनाता है, आप बताओ अमीबा कुटपाद के माध्यम से भोजन बनाता है और ये एक प्रकार की एक कोशिकीय जीव है और इसका आकार अनिश्चित होता है। इन तीनों में से कोई ऑब्जेक्टिव आता है। 2 नंबरिया पूछेगा अमीबा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, तो बोलोगे अमीबा एक कोशिकीय मृदु जलीय तथा अनिश्चित आकार के प्राणी है। मृदु जलीय का मतलब होता है मृत जल में पाया जाता है या फिर सजीव में पाया जाता है, हालांकि सबसे ज्यादा मृदु जलीय में पाया जाता है। अमीबा देखो तो नदी, झील, झरना, तालाब आदि में पाया जाता है, जहां भी पानी होता है ना वहां अमीबा पाया जाता है। ठीक है, तो इतना बात लिख देना अमीबा के बारे में, जिसका आकार कुटपादों के बनने तथा बिगड़ने के कारण परिवर्तित होता रहता है। कुटपाद क्या होता है, इसके जो किनारे किनारे की जो आप लंबाई देख रहे किनारे के सतह, इसी किनारे के सतह को कुटपाद कहा जाता है। ये कुटपाद जब बनता है बिगड़ता है ना, मतलब ऐसे ऐसे बनता है बिगड़ता है, तो इसका आकार परिवर्तित होता रहता है, इसलिए अमीबा अनिश्चित आकार के कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो इतना आप बताओगे, 2 नंबर यम बताओगे। अगर 5 नंबर में आएगा तो इतना पहले परिचय बताओगे अमीबा क्या है। अमीबा के अंदर एक कोशिका होता है, कोशिका केंद्र से बोलेंगे केंद्रक। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये क्या है केंद्रक, इसमें ये क्या है उत्पाद। जब ये किसी अपने खाद्य पदार्थों को खोजता है, देखता है ना, तो तुरंत उस मुँह खोल देता है। उत्पाद जैसे यहाँ देखो मान लो खाद है, तभी क्या करेगा, इससे देखेगा तो हमारा भोजन है, तो तुरंत ऐसे लपक जाएगा और लपक जाएगा तो उसका उत्पाद बना ऐसे हो जाएगा, इसे तो बोलेंगे रिक्तियाँ। जब उत्पाद देखता है अपने भोजन को तो उत्पाद के आकार ऐसे खुल जाता है, उत्पाद ऐसे मुँह बांध देता है, इसमें अनेकों छिद्र होता है, मुँह ऐसे बांध देता है, जैसे मुँह बांध देगा भोजन को पकड़ने के लिए, अपने कर्ण को अपने भोजन को पकड़ने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए, तो इस मुहवा को हम कहते हैं रिक्तियाँ। इस मुँह को क्या करेंगे रिक्तियाँ, ये जैसे में बना रखिएगा। इसके बाद देखो अमीबा में पोषण कैसे होता है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर की सतह के किसी भी स्थान से हो सकता है। शरीर के सतह, ये जो आप सतह देख रहे हो ना, किसी भी सतह से हो सकता है। इसका अनेकों मुंह होता है, जैसे मनुष्य का एक ही मुंह होता है आगे, लेकिन इसका आगे पीछे ऊपर नीचे चारों ओर मुंह होता है। कहीं जहाँ दिख लेगा अपने शिकार को वहीं मुंह बांधेगा, क्योंकि इसका सतह ही मुंह कहलाता है। तो हम बता दें, तो यहाँ से समझ लेना किसी भी स्थान पर अमीबा अपना भोजन कर सकता है, किसी भी सतह के किसी भी स्थान से कर सकता है। अब देखो मान लो अमीबा है, अमीबा के अंदर एक केंद्रक होता है और एक किनारे किनारे की सतह को हम कुटपाद कहते हैं। अब यहाँ देखो उसका शिकार है भोजन है, जिसे खाद बोलोगे। अब जैसे देख लेगा तो इसके नज़दीक आएगा और ऐसे मुँह बांधेगा। और दूसरा फिगर हम बता दिए हैं कि अब ये अंदर जाने वाला है, अब मुँह एकदम पा लिया है, एकदम पहुँचने वाला है। जैसे पहुँच जाएगा तो उसके बाद से एक बहुत बढ़िया रिक्तियाँ बनाएगा, उंगली नुमा ऐसे, उंगली जैसे पकड़ने वाले स्थान ऐसे बनाएगा। इस उंगली नुमा संरचना को हम कहते हैं रिक्तियाँ, इसे क्या कहेंगे रिक्तियाँ। उसके बाद से ये रिक्तियाँ जैसे हम मुँह बंद कर देगा ना, तो उसका शिकार अंदर चल जाएगा, तो ये रिक्तियाँ अंदर घूमता रहेगा। अगली बार में क्या है, ये रिक्तियाँ मतलब ये खाद्य पदार्थ अंदर प्रवेश कर गया है। जब खाद्य पदार्थ अंदर प्रवेश कर जाएगा, ये पूरा फिगर बनाओगे तब जाकर 5 नंबर आएगा। जैसे जैसे हम लिखे हैं वैसे वैसे लिखोगे 5 नंबर में आएगा। उसके बाद जब ये अंदर खाद चल जाता है तब कुटपाद भोजन को घेर लेता है, मतलब ये कुटपाद सतहिया भोजन को यहाँ घेर कर खाद्य रिक्ति बनाता है, मतलब उंगली नुमा संरचना को खाद्य रिक्ति कहा जाता है। खाद्य रिक्ति बनाता है और स्वयं गायब हो जाता है। यहाँ देखो गायब हो गया ना खाद्य रिक्ति, स्वयं में गायब हो गया, कोशिका द्रव्य में गायब हो गया, कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली कहलाएगा। कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है, तो कोशिका द्रव्य में गायब हो जाता है। ये हुआ 1 नंबर लाइन। दूसरा लिखोगे कोशिका द्रव्य में उपस्थित पाचक एंजाइम
होता है। और कोशिका द्रव है, किनारे किनारे को कोशिका झिल्ली कहोगे, उत्पाद कहोगे। इस उत्पाद के अंदर जो भी द्रव होता है उसी को कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य में उपस्थित पाचक एंजाइम होता है। कोशिका द्रव्य में क्या होता है? पाचाने वाले एंजाइम होते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर लार ग्रंथि में एंजाइम होता है ना, उसी प्रकार इनके अंदर भी होता है पाचक एंजाइम। रिक्तियों में प्रवेश करते हैं। रिक्तियां मतलब हजम गढ़ावर वाली गठनुमा संरचना, उसी को रिक्तियां बोलते हैं। रिक्तियों में प्रवेश करता है और भोजन को पचाता है। खाद्य रिक्तियां कोशिका में प्रवेश करती है, खाद्य रिक्तियां कोशिका में प्रवेश करती है और भोजन को पचाती रहती है। इसके बाद लाइन लिखोगे, खाद्य रिक्तियां कोशिका में भ्रमण करती है। खाद्य रिक्ति जो अंदर चला गया है वो एंजाइम उससे पचाएगा, अंदर जो खाद होगा उससे पचाएगा, लेकिन जो रिक्तियां होगा, जो गड्ढनुमा संरचना रिक्तियां, तो वो कोशिका में घूमती रहेगी और पचे हुए जो भी भोजन के कण होंगे, जो भोजन पच जाएगा, एंजाइम पचा देगा, जिनको पचे हुए भोजन विसरित होकर, विसरित मतलब उसमें विसरण होकर, चलायमान होकर, विसरण घुमावदार को विसरण कहते हैं, विसरित होकर कोशिका द्रव्य में मिलता रहता है, घुलता रहता है और कोशिका द्रव्य में विलीन हो जाता है। उसके बाद रिक्तियां घूमते घूमते सब कोशिका के किसी सतह से चिपक जाती है। रिक्तियां भी उसी में घूमती है, घूमते घूमते किसी कोशिका के सतह पर जाकर चिपक जाती है। कोशिका के जो बाहरी उत्पाद होता है उसको सतह बोलेंगे। कोशिका की सतह से चिपक जाती है और चिपक कर फट जाती है, जिससे अनपचा भोजन कोशिका से बाहर आ जाता है। ऐसे चिपक जाएगी और जो गढ़वा होता है चिपक जाएगी जैसे, तो फूट जाता है गढ़वा जैसे फूट जाता है, उसके बाद जो भी अनुपचा भोजन होगा बाहर निकल जाता है। ये रहा अमीबा के पचनमरिया क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा।